आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में जो मौजूद बड़ी शख्सियतें हैं, हम सबके श्रद्धे श्री अतुल कृष्ण जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मथुरा, मेरे मित्र श्री किशन चौधरी साहब, हमारे साथी विधायक पूरन प्रकाश जी, मेरे पुराने विद्यार्थी परिषद काल के साथी देवेंद्र शर्मा जी, श्री कृष्ण कन्हाई जी, पदम जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी संपादक अमर उजाला, श्री विनोद अग्रवाल, श्री अरुण वाजपेयी जी, श्री उमेश गोयल जी, श्रीमती सोनिका शर्मा जी, अनद्या श्रीनिवासन जी, सभी उपस्थित मथुरा नगर के प्रमुख गणमान्य व्यक्तिगण, परिंदा फाउंडेशन एवं मिशन शक्ति समूह, इसके सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित मातृशक्ति और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, निःशब्द हूं मैं इस मंच को देखकर, अभिभूत हूं, सभी शब्द बौने हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझको कहने का आदेश हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा कहां से शुरू करूं, क्योंकि होली का उत्सव मनाया जा रहा है, परिंदे फाउंडेशन और मातृशक्ति के प्रतीक मिशन शक्ति समूह द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। होली का पर्व है, इसलिए तीनों बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। ये ब्रज भूमि है, कृष्ण की भूमि है, राधा की भूमि है, यहां पर होली का एक विशेष महत्व है। वैसे होली रंग का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, तरंग का त्योहार है, संग का त्योहार है और भंग का भी त्योहार है। और खासतौर से मथुरावासी तो भंग के त्योहार को और तरंग से मनाते हैं, लेकिन होली प्रेम का त्योहार है और ब्रज क्षेत्र की होली की एक विशेष खुशबू है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, कामाख्या से कटक तक देश में होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज भूमि की होली की अलग खुशबू है। कृष्ण कन्हैया के साथ होली, गोपियां खेलती हैं, राधा रानी खेलती है, प्रेम रस को भक्ति रस की ऊंचाइयां देना, यह ब्रज भूमि की होली का काम। श्रृंगार को आध्यात्म तक ले जाना, यह ब्रज भूमि की होली ने दिया है, सिखाया है। अभी संचालिका महोदय ने एक लाइन पढ़ी थी, होली में मत मार दृग की चोट, आगे क्या था, मत मारे दृगन की चोट होली में मोहे लग जाएगी। अब देखिए कि पंक्तियां कैसे होली को प्रेम रस में डुबोते हुए आध्यात्म की ओर ले जा रही है, यही ब्रज की होली की विशेषता है। मैं होली कैसे खेलूं रे का सांवरिया, सांवरिया के संग रंग में होली कैसे खेलूं। तो ये सब जो हमारे होली के गीत हैं, वे भी इस बात के प्रतीक हैं कि ब्रज की होली की खुशबू अलग, एक ऊंचाई अलग, गहराई अलग, और उसका ये भूमि आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है। तो मैं, जिन्होंने मुझे बुलाया,
परिंदे फाउंडेशन की सोनिका जी ने और मिशन शक्ति की ओर से निमंत्रण भी दिया, इनका मैं हृदय शिल्पी जी ने इनका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो आनंद यहां पर आया है मुझे इनकी कृपा से आया है। उसमें बच्चों का एक अद्भुत संगम, ये ब्रिज के बच्चे हैं, इन्होंने अभाव में जीवन शुरू किया है। परिंदे फाउंडेशन के सदस्यों ने, सोनिका जी ने उनके अभाव को उनकी आंखों में देखा, उनके आर्थिक विपन्नता के प्रभाव को उनके जीवन में देखा, उनकी उत्सुकता और ललक के स्वभाव को पढ़ने की वह उन्होंने महसूस किया और इनको एक नए जीवन की शुरुआत कराई। कितने लोग सोचते हैं ऐसा समाज में, जब एजुकेशन एक प्रोफेशन बन गया हो, मिशन ना रह गया हो, तो ऐसे भाव, ये इस भूमि का कमाल है, कृष्ण कन्हैया की भूमि का, जो उनको दिए और उन्होंने एक अहद एक संकल्प लिया जिसको पूरा कर रही हैं। इन बच्चों के जीवन के अभाव को कि पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इनके माँ बाप पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, उनको एक दिशा देना, एक संस्कार देना, उनके चेहरे पर खुशी देना। किसी शायर ने कहा है, चलो मस्जिद, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चलें, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो यूं कर चलें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, उसके आंसू को पोंछा जाए, यह भी खुदा की इबादत है, भगवान की सेवा है। और इन बच्चों के साथ जो इनके आंसू पोंछे जा रहे हैं, इनके चेहरे पर जो मुस्कान लाई जा रही है, वह ईश्वरी कार्य है, ईश्वर के प्रति वंदन है, नमन है। इसके लिए मैं सोनिका जी सहित परिंदे फाउंडेशन के सभी सदस्यों को, उनसे जुड़े हुए सभी महानुभावों को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अरे ये उपाध्याय जी हैं और टीम है आपकी, उन सबको, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, लगभग 200 बच्चे, इनको जो नंगे पैर कपड़े नहीं, जाड़ा गर्मी बरसात को झेल रहे हैं, जाड़े में ठिठुरते हुए, गर्मी में पसीनों से नहाए हुए, बरसात में भीगते रहे, पत्थरों पर चल चल कर कहीं पहुंचते होंगे, उनको पूरी व्यवस्था देकर पढ़ाना, ये सोच किया आप जरा सपने अपने मन में टटोल कर, कितना महान कार्य है। जहां एक ओर होली हमारी महान संस्कृति का प्रतीक है यह पर्व, तो वहां यह कार्य भी एक महान कार्य है जो समाज सेवा का प्रतीक है, समाज की सेवा में अग्रिम रहने का प्रतीक है, क्योंकि सबसे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। ये मिशन शक्ति इससे जुड़ा हुआ है, जो महिलाओं का एक संगठन है। नारी तुम केवल एक श्रद्धा हो, विश्वास रज नग बतल पग तल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद के पंक्तियां हमारे देश की उस नारी शक्ति को बताती है, पीयूष अमृत वर्षा कहा है उनके लिए, और ये अमृत वर्षा तो है ही, इन बच्चों की सेवा करना, इनके दर्द को दूर करना, हमारे देश की नारियों का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर हमने भगवान को भी पूजा है तो सीताराम,
राधा कृष्ण, पार्वती पते हर हर महादेव, यह करके पूजा है। विष्णु लक्ष्मी कभी अलग नहीं किया। पहले नारी स्वरूप ईश्वर की पूजा है, उसके बाद पुरुष। अगर हम इतिहास उठाकर देखें फिर और पौराणिक को देखें, कौन्तेय पुत्र अर्जुन यानी महिला प्रधान को प्रधानता दी है समाज में हमारे। ये नहीं कहा कि पांडुपुत्र, कौन्तेय पुत्र, कौन्तेय नाम दिया गया है। अतुल कृष्ण जी बैठे हैं इसलिए मैं ज्यादा उसमें ज्ञानी नहीं हूं, इनके आगे तो मुझे बूंद भर ज्ञान नहीं है। इस फील्ड का राजनीति की तो बात कर सकता हूं मैं तो, लेकिन जो थोड़ा बहुत ऐसे संतों से सुन लिया है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो ये हमारे नारी की पूजा, नारी की सम्मान का विषय है। और यदि किसी को व्यक्ति को बनाया है वो भी इस देश की नारी शक्ति ने बनाया है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम किसने नहीं सुना। मां जीजाबाई ने गढ़ा छत्रपति को, छत्रपति शिवाजी छत्रपति ऐसे ही नहीं बने। अगर मां जीजाबाई नहीं होती शिवाजी शिवाजी नहीं होती। ये मां, उनकी मां का कमाल था, मातृशक्ति। दशरथ ने नहीं जितना कौशल्या ने गढ़ा श्री राम, नंद बाबा ने नहीं जितना उनकी मां ने गढ़ा प्रभु श्री कृष्ण को। दुर्गा के रूप में हम पूछते हैं, यदि शक्ति के प्रतीक को पूछते तो दुर्गा मैया पूजी जाती है, वैभव के रूप में पूछते तो लक्ष्मी मैया पूजी जाती है, विद्या के रूप में पूछते तो मां सरस्वती को पूछते हैं। तो यह नारी शक्ति का सम्मान हमारे समाज में है। तो ये मिशन शक्ति उसी का ध्वज लेके आगे चल रहे हैं। नारी का सम्मान तो इतना है हमारे यहां कि यदि वैशाली की नगर वधु आम्रपाली को भी पूजा गया है, यदि उसको भी याद किया गया है तो उसके राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग को याद किया गया है। ये हम लोगों ने किया है। मित्रों, जहां ये कार्यक्रम भारत की गौरवशाली संस्कृति यानी होली के त्योहार का, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, वहीं परिंदे फाउंडेशन की संकल्प का प्रतीक है, वहीं नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक है। संकल्प संस्कृति और सामर्थ्य का संगम हो चुका है इस मंच पर, और जो संगम होता है वो तीर्थ बन जाता है। आज ये मंच तीर्थ बन चुका है। मैं इस तीर्थ को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।